चेक करो भाई, ये मटेरियल अपना रेडी हो चुका है। कैसा लग रहा है तुम्हारा? तो भाई घर पे भी बावर्ची बन गए यार, सबके घर ऐसे ही होंगे यार। हमारा भी देखो यार, काम मांग रहा मेंटेनेंस। और भाई मेरे को बता देना आपको खर्चे का ब्लॉग चाहिए तो, ठीक है। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, सबको जय श्री राम और पहले से गुड मॉर्निंग। जस्ट सुबह के 9:30 और आपका भाई घर पे, अकेला ही हूँ भाई मैं घर पे, सो देख रहे हो बिल्कुल अकेला। अभी तक मैं नहाया भी नहीं हुआ आज, मतलब ऐसे ही हूँ, मतलब अभी तक नहाया नहीं। और सब चले गए भाई, मम्मी जा रखी है शादी में, बहन गई है जॉब, वो जॉब करती है ना, अभी उसकी जॉब दूसरी जगह शिफ्ट होने वाली है, मतलब वो अब एयरटेल में जाएगी, एयरटेल केयर हो जाता है ना, केयर में उसमें जॉब लगेगी। तो भाई अपनी भी जॉब है, अपनी तो भाई खतरनाक ही जॉब पे, अपना तो ट्रक है, हूँ गड्डी जाती है सड्डी छलांगा मार दी। तो भाई आजकल तो छुट्टी पे हैं, और भाई बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं भाई पापा कहाँ हैं। ओ ये देख लो भाई, सड्डे डैडी टैटू भी करवा रखा है मैंने, एक बार एक और बढ़िया सा टैटू करवाना है मैंने। ये देखो यहाँ ये सड्डे पापा है, ठीक है भाई सड्डे डैडी देख लिया। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे भाई पापा नहीं देखे आपके, भाई पापा पापा भाई ट्रस्ट में काम करते थे, एक ट्रस्ट है इधर की निर्मल आश्रम, काफ़ी साल से करा उन्होंने ऐसी 10-15 साल 20 साल, बचपन से ही उन्होंने भी जॉब की यार, बचपन से ही मतलब जॉब करते रहे यार हमारी, मतलब मैं कमाता हूँ दोनों, मैं दुखी रहता हूँ यार, मैं कमाता हूँ पर किसी काम का नहीं अपना कमाना। अगर मैं लाइफ में ग्रो अप भी रह जाऊंगा ना, ग्रो भी हो जाऊंगा लाइफ में, बहुत बड़ा भी हो जाऊंगा, तो मेरे दिल दुखता ही रहेगा, क्योंकि यार मतलब जिसने हमें खिलाया पिलाया हम उसको अपनी मेहनत की एक रोटी नहीं खिला पाए, इस चीज़ का तो गम रहेगा। मतलब मैं पहले भी जॉब करता था एक बार, मतलब डीजे बजाता था, उसमें मैंने दिए थे अपने डैडी को पहली बार 100 रुपये दिए थे कमा के, पर कोई फायदा नहीं। तो भाई आज का तो खाना भी खुद बनाना पड़ेगा, आज मैं क्या बनाऊंगा भाई, मैं बनाऊंगा खुद तारी, बनाऊंगा तारी के साथ दही लेके आएंगे बाजार से और तारी और दही खाएंगे। मम्मी भाई आएगी शाम को 6-7 बजे, क्योंकि मेरी मौसी की लड़की की शादी है तो उधर जा रखी है, मेरे को भी बुला रहे थे पर यार मेरा मन नहीं करा ये शादी शुद्धी में जाने का। और भाई बहुत दिन से ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे भाई, टाइम ही नहीं मिल रहा था ब्लॉग बनाने का, दो दिन तो मैं पता कैसे रहा देखो, जैसे मैं उस दिन आया यहाँ, ठीक है उस दिन रात को आया, मैं रात को 11 बजे सोया, ठीक है। उससे अगले दिन से मेरी देखो स्टार्टअप क्या था मेरी, ठीक है सुबह रोटी नाश्ता पानी किया 10 बजे सोया, शाम के 4 बजे उठा, 4 बजे खाना खाया, फिर 2-3 घंटे घूमता रहा, फिर 7 बजे सोया, फिर अगले दिन उठ गया, फिर ठीक है रोटी पानी खाई, नहाया धोया, नाश्ता पानी करा, फिर उससे अगले दिन भी देखो मेरी थकावट कितनी थी कि मैं सुबह 10 बजे सोया, अगले 4 बजे उठा, कितना थका हुआ था। फिर अब जाके मैं थोड़ा ठीक हूँ। और भाई ट्रक पे जाने का क्या प्लान है भाई? बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि वो ही ट्रक पे जाओगे कि नहीं जाओगे। भाई देखो उसी ट्रक पे जाएंगे, अभी वो मोर भी खाली होगा, अभी भरने मोर भी जा रखा है भरने, मतलब अभी मेरी बात हुई थी वो क्या कह रहा था, उसने भर रखा है मोर भी किशनगढ़ से, मट्टी भरी है मोर भी की, वो खाली करेगा फिर भर के लाएगा, भर के बताऊंगा क्या माल है क्या नहीं है। और भाई खर्चे का ब्लॉग चाहिए जो आपको, मतलब खर्चे का ब्लॉग तो बताना भाई, कमेंट कर देना जिस भाई को खर्चे का ब्लॉग चाहिए, मतलब खर्चा कैसे कैसे अपना मैं बताता हूँ। मोरबी से हम कहाँ गए, मोरबी से नौगांव, नौगांव से खाली आया मैं ये थे तुम्हारा जोगी गुफा, जोगी गुफा से भूटान, और भूटान से भरा हमने मक्का, मक्का भरी हमने मुजफ्फरपुर की, मुजफ्फरपुर से खाली गए जमशेदपुर, जमशेदपुर से माल भर के सीधा कहाँ खाली करी थी ये तुम्हारा पलवल खाली करी, ठीक है। तो भाई किसको भी हिसाब चाहिए होगा तो बता देना। तो ठीक है भाई अभी जस्ट मैं नहा धो के आता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। और भाई चेक करो भाई आपको, भाई नहा धो के एकदम रेडी हो चुका है भाई, अब देख मैं खाना बना रहा हूँ यार, टाइम पता कितना हो गया 12:30 हो गए, और खाने में क्या बना रहा है देखो, क्या बनाऊँगा यार, मुझे कुछ आता भी तो नहीं है, मेरे को सिर्फ तहरी बनानी आती है, तो हम तहरी बनाएंगे, ये अपना मटेरियल हो गया, इस मटेरियल के बनाएंगे हम तहरी, चलो स्टार्ट करते हैं काम अपना। करो भाई ये मटेरियल अपना रेडी हो चुका है, बस कैसा लग रहा है यार तुम्हारा? भाई घर पे भी बावर्ची बन गए यार, अब बड़े बड़े सपने लेके आए थे घर की, खाना नहीं बनाएंगे यार, मम्मी शादी में जा रखी है ना, और शादी बहुत इंपॉर्टेंट है, मौसी की लड़की की शादी है, उनकी 3-4 लड़कियां हैं, तो इसलिए ज़्यादा जरूरी था। और अब खाना बनाता हूँ, खिचड़ी बनाएंगे भैया। अरे भाई अपने चावल हो गए यार, मेरे को ये भी नहीं पता कि भाई चावल कितने बने हैं यार, चलो यार जितने भी, मैं अकेला ही हूँ, अकेला आदमी अकेला ही होता है,
ये भैया देख लो ये क्या सिस्टम लगवा दिया एक्वा गार्ड। चलो यार भूख लग रही, खाना बनाते हैं पहले। और भाई चेक करो भाई आपके भाई का खाना बन चुका है। और क्या बनाया है देखो भाई, चेक कैसा लगा भाई। भाई टाइम भी एक बज गया, टेस्ट करेंगे भाई। बढ़िया है, और भाई बता देना मुझे कमेंट करके कि खर्चे का ब्लॉग चाहिए कि नहीं चाहिए। वैसे यार अकेले इंसान का खाना बनाना बहुत इजी है, अगर जैसे आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो बहुत इजी। जैसे कॉलेज स्टूडेंट आते हैं ना, घर से बाहर आ जाते हैं, वो घर से बाहर आते हैं फिर उन्हें दिक्कत होती है, वो बाहर का खाना खाते हैं ऑयली। जैसे कभी आलू के परांठे खा लिए उन्होंने, कभी कुछ खा लिया, फिर मन नहीं करता उनका खाना खाने का रात को। देखो भाई दोपहर में खाओ तहरी बना के मस्त करके दही के साथ, ठीक है, और रात में खाओ रोटी। सब्जी बना ली, सब्जी बना ली, नहीं बनाई तो दही के साथ रोटी पेल दो भाई। फूड खाओ अपने हाथ का, मेरे घर से बाहर जैसे जाओगे ना, घर से बाहर तो 10 रुपए का आलू का परांठा मिलता, समझ रहे हो। मैं वो भी खा सकता था पर अपने आप बनाओ और खाओ, क्योंकि ना अब इसमें देखो कितनी हेल्थी चीज़ें पड़ी, शिमला मिर्च पड़ी, दही भी हेल्थी है, राइस भी है। तो ठीक है भाई खाना खाते हैं और फिर बताता हूँ। और भाई हो गया शाम, सबको प्यारी से गुड इवनिंग एंड जय श्री राम। जस्ट मैं सो रहा था, ये देखो भाई शाम हो गई। ये यहाँ आगे तुम मकान में देख रहे हो आप कितने सैलाब भी आते, देखो काला 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 काला, सबके घर ऐसे ही हो गए यार। हमारा भी देखो यार काम मांग रहा मेंटेनेंस। अब ये तो दोस्तों एक मकान नहीं है, मतलब एक मकान हो रहा है हर दो है नेपाली फार्मेसी के साइड, तो वो भी यार वो उसमें तो कुछ ज़्यादा ही मेंटेनेंस मांग रहा। अब यार अकेला आदमी कितना काम करेगा यार, जितना मैं कमाता हूँ यार उतना तो सारा घर में ही चल जाता है। घर में मतलब कभी इनको तबीयत खराब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो मैं सोच रहा हूँ यार घर पे काम कराने के लिए। अरे यार घर वाले भी तो नहीं मानते, घर वाले बोलते इसके ऊपर एक और वो बनाएंगे, मतलब घर कमरा। घर वाले यार घर घेरना चाह रहे हैं, मतलब शहर में ये शहर का घर है, वो गांव का है। मुझे गांव ज़्यादा बेस्ट लगता है। कल चले वहाँ, कमेंट कर देना जी जिसको घर देखना अपना दूसरे वाला। वो तो यार खंडर हो रखा, वो किराए पर दे रखा था, और वो उसमें पता क्या किराएदारों ने क्या करा यार, पानी का बिल भी नहीं दिया ना बिजली का बिल, वो सारा पैलेंट लगवा के चले गए। अब जाके चेक करूँगा मैं, फिर बताऊँगा क्या क्या हिसाब किताब होने वाला है वहाँ जाके। और कल कपिल से मिलाऊँगा आपको, कपिल सागर सारे दोस्तों से मिले हैं कल। यार पैसे नहीं है इसलिए गया नहीं, मैं पैसे नहीं डाल यार उसने, तो ये इसलिए नहीं गया। और भाई मेरे को बता देना आपको खर्चे का ब्लॉग चाहिए तो, ठीक है। और यार नैन्सी आएगी रात के 8 बजे, और मम्मी अभी तक आई नहीं, मम्मी कहती थी कि मैं आ जाऊंगी, अभी तक नहीं आई, बताओ वो शायद लेट आएंगी 8-9 बज जाए आज। और भाई एक भाई का कमेंट भी आ रहा था कि भाई ट्रक के बिजनेस में कैसे घुसे। भाई देख ट्रक के बिजनेस में कैसे घुसोगे, मैं पहले ही बताया आपको भाई, कोई ट्रक मालिक से कॉन्टैक्ट बनाओ पहले अपना, कोई ट्रक मालिक से कॉन्टैक्ट बनाओ, उसके बाद भैया जानकारी लो ट्रांसपोर्टर की। अगर उसके थ्रू चलती है गाड़ी तो ठीक है, अगर उसके थ्रू नहीं चलती है तो फिर भैया अपने आप ही पैर मारने पड़ेंगे आपको। गाड़ी तो यार एकदम निकल जाती है, 7-8 लाख रुपए में आपको घोड़ा मिल जाता है ऑन रोड पे, 10-12 लाख में नहीं मिल जाता आपको घोड़ा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप पहले नॉलेज ले लो ना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। और हम भाई कब जाएंगे भाई, बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं आप कब जाओगे भाई गाड़ी पे। भाई गाड़ी पे हम जाएंगे भैया, चले जाएंगे थोड़े दिनों में, थोड़ा आराम कर ले यार बहुत दिन से। देखो ना 1-1.5 साल गाड़ी चला के आया मैं, 1-2 दिन की छुट्टी लेता था, और अब 3.5 महीने बाद आया घर। और भाई कल को किस किस को ब्लॉग चाहिए तो बता देना भाई, कमेंट कर देना मैं देख लूँगा, ठीक है भाई। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करेंगे भाई, क्योंकि अभी तो घर पे कोई नहीं, एकदम सुनसान हो रहा था, अकेला मैं भी बोर हो गया, मैं सो गया था, सो के उठा और फिर बर्तन धोए यार, खाना बनाया था, बर्तन भी धोने पड़ते हैं, नहीं घर वाले आगे चिल्लाएंगे ना भाई। मिडिल क्लास लाइफ ऐसी होती है भैया, मिडिल क्लास लाइफ से बाहर निकलना बहुत जल्दी है भैया। आजकल के जैसे हमारे स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं ना, मैं साफ बोलता हूँ भाई, 9th के बाद भैया एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते तो, क्योंकि भाई 9th के बाद अगर आप अपनी पार्ट टाइम जॉब करोगे, अपनी खर्चा खुद निकालोगे तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया से आपका मतलब एजुकेशन प्लस वर्क बहुत अच्छा रहेगा। तो
तो ये सिस्टम कर लो भाई अपना। तो ठीक है भाई, आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सबको जय श्री राम एंड वेरी गुड इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर, कल को मिलते हैं।